अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिट किचन। आज हम बना रहे हैं वेज पुलाव मेरी स्टाइल में। इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए आप देख लीजिए। हमें चाहिए 2 मीडियम साइज चॉप टोमेटोज, 1 लार्ज स्लाइस अनियन, और हमें चाहिए 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हमें कुछ खड़े मसाले चाहिए, एक बे लीफ चाहिए, एक सिनेमन स्टिक चाहिए, ये जावेत्री, सौंफ, जीरा, काले मिर्च, लौंग, स्टार्निस, ये हमारे खड़े मसाले। अब हम देखते हैं हमारे ड्राई मसाले। हमारे 1 टेबल स्पून चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून कोरियंडर पाउडर है, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, और हमें चाहिए नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके अलावा हमें चाहिए 200 ग्राम योगर्ट, 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम मटर, और 1/2 केजी अराउंड वेजिटेबल्स है जो आपको पसंद हो। इसमें कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम एंड पोटेटोज, ये सब्जियां हैं, आपको जो पसंद आप डालें, नहीं पसंद स्किप करें। 1 केजी अराउंड हमारे पास बासमती राइस है, और हमें चाहिए सब्जियों की फ्लेवरिंग के लिए ब्लैक पेपर, और पुलाव के फ्लेवरिंग के लिए हमें चाहिए केवड़ा बटर थोड़ा सा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में गर्म करेंगे घी, सब्जियों को घी में फ्राई करेंगे, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसे हम पहले अलग से फ्राई कर लेंगे सब्जियां, ताकि इनका कलर खराब ना हो। अब हम डालते हैं वेजिटेबल और हमें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ऐड कर देते हैं मटर, और उसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, और उसकी सीजनिंग करेंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट से। अब हमें फिर क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर डाल देंगे और सॉल्ट फ्लेवरिंग के लिए। हमारी सब्जियां 2 से 3 मिनट फ्राई हो चुकी है, इस टाइम पे हम ऐड करते हैं पनीर, ताकि पनीर भी सब्जियों का फ्लेवर ले लें थोड़ा, और इसे 2 मिनट और फ्राई करेंगे। हमारी सब्जी और पनीर अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। चलिए पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, इस टाइम में इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों के बाद हम इसमें डालेंगे स्लाइस अनियन और फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। हमारी अनियन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 मिनट भून चुका है, इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर टाइम लेता है भूनने में। टमाटरों के साथ हम डाल देंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों को डाल के अब हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। हमारा घी मसालों से रूज आउट होने लगा, इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, और इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे। डालते हैं हम दही और फ्लेम धीरी कर लेंगे, और दही को जल्दी जल्दी फोल्ड कर लेंगे मसालों में। हमारे मसाले अच्छे से भून गए, घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हैं। हमने सब्जियों को मसाले में डाल लिया, अब हम सब्जियों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसी टाइम पे आप अपनी सीजनिंग चेक कर लीजिए, अगर नमक कम हो या कुछ कम हो। हम ऐड करेंगे इसमें चावल, चावल हमने डाल दिया, अब इसमें हम डालते हैं पानी। चावल में पानी, हर चावल अलग पानी लेता है, आपका चावल कितना लेता है आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल लें। और इस टाइम पे हम ऐड करेंगे केवड़ा वाटर पुलाव की खुशबू के लिए। हम कुकर की लिड बंद कर देते हैं, और इसे हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 विसल के लिए बनाएंगे पकाएंगे। और 1 विसल आ चुकी है, इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर रिलीज होने का इंतजार करेंगे। हमारा खूबसूरत सा वेज पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है, बस हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। हमारा खूबसूरत सा वेज पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है, देखने में लग रहा ना कितना कलरफुल सा। आई एम कार्ड मी टू इट, वॉट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, जाएं बनाएं खाएं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।